मैं कर दूं क्या? बोलो क्या कहता है दिल? बोलिए साहब। हाँ वेरी गुड, देखते हैं बोर्ड पे दिखेगा। सुनिए सुनिएगा, सुनिए, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, सम 30 जरूरी है, सम 30 जरूरी है, तो बोलो। सुनिए खास बात देखिए, अपन ने कहा कि x है मान लीजिए a, वाई है, सॉरी x है p माइनस डी, y है p और z क्या है, अपन ने पढ़ा था ये। तो p माइनस डी p और इजिकल टू 30 है, तो 3p इजिकल टू कितना? तो हमारे जो x y और z है वो होंगे 10, 10 माइनस कुछ, 10 प्लस कुछ, ठीक। तो बताइए 10 होगा तो इधर क्या होगा, उधर क्या होगा? 11। फिर 10, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, नेचुरल बोला है, तो ये कितने हुए? 9 हुए ना पप्पू। आ तो रुक तो जा, ठीक है। अच्छा अब इनको घुमा दो। अरे नहीं समझे आप, ये एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, ये भी तो हो सकता है 10, 9, 9 उस तरफ, 9 उस तरफ, और तो ये हो गए कितने, और एक आंसर आप भूल गए, 10, 10, 10, तो ये 1 टोटल हो गए। पप्पू तूने उसको 10 गिना ना और इंटू 2 किया तो 20 हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर है बॉम्बे, लिखो।
बोलो घुटने टेक रहे हो क्या, मैं करूं बोलो। पेन मत घुमाना लायक, मैं कर दूं। अच्छा सुनिए बड़े गौर से ध्यान से, ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है सुनिए। पेन छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सुनिए बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। चार नंबर अपन ने फेंके, मान लो उसमें वन है, टू है, फोर है और फाइव है, तो लार्जेस्ट कौन हुआ? मतलब हम जो चाहते हैं वो हो गया, फोर इज नॉट लार्जेस्ट। अच्छा यदि ऐसा हो तो वन वन टू थ्री, तो लार्जेस्ट थ्री, फोर नहीं है तब भी सही है। इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डाइस में फाइव और सिक्स जरूर होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब समझिए क्या है इस क्वेश्चन का, कि या तो ना हो तो चार पांच छह कोई भी ना हो क्या, और यदि चार है तो पांच या छह में से कोई एक तो हो क्या। चार नहीं है तो ना पांच ना छह, और चार यदि उपस्थित है तो फाइव या सिक्स में से कोई एक कम से कम एक बार तो हो, ज्यादा बार हो चलेगा। तो सुनिए काम करने का तरीका, आंसर ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस लार्जेस्ट इज चौका। सही है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस खन को देखते हुए कितनी चॉइस, इसको माइनस, यस चौका लार्जेस्ट होना चाहिए, इसका मतलब हो तो सही तो होगा लार्जेस्ट, तो कहीं ना कहीं इन चार कुर्सियों में से एक जगह पर चौका आ गया, तो बाकी तीन जगह पर कोई भी पांच लोग डांस कर सकते हैं? नहीं, पंजा और सिक्स तो डांस नहीं कर सकते, नहीं तो वो लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो यदि चौका है, इफ फोर इज लार्जेस्ट देन अदर वन टू या क्या, मान लो एक जगह पर चौका आके बैठ चुका है, तो इधर पर काई की चॉइस, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री प्लस, मान लो दो जगह पर चौके आके बैठ गए तो बाकी दो जगह पे चॉइस, यदि तीन जगह पर चौके आके बैठ गए और चारों जगह पर ही चौके आ गए, अब ये गहराई पे तुम समझ सको इसलिए जरूरी है कि खूब प्रैक्टिस करो। ये क्या है, चार कॉमन नहीं ले पाएंगे, है ना? ट्वेंटी सेवन का डबल का डबल, ट्वेंटी सेवन इंटू चार करना है, ट्वेंटी सेवन को तोड़ दो, पच्चीस और दो
दोनों को चार से मल्टीप्लाई कर दो। फोर सी टू का मतलब होता है चार इंटू तीन पॉइंट दो छ, थ्री थ्री या थ्री जा 27 इंटू टू फोर थ्री थ्री मतलब फोर तो ये 120, 170, 175। अब मेरी बात सुनो, होल्ट होल्ट होल्ट, बेवकूफ बच्चा पूरा सबट्रैक्ट करेगा। हम तो कहेंगे छह में से पांच गए। यदि ये सब कुछ सही है तो फिर हम आखिरी एडिशन नहीं करेंगे, सबट्रैक्शन नहीं करेंगे। हाँ रुकना, गलती है यहां पर, यहां पर सेवन है, यहां सेवन है,
सीधे होके बैठो। सुनो, ध्यान से सुनो। सुनिए सुनिए, हो सकता है कि ये चार सीट यूज की जाए। चेहरे से हाथ हटाओ। तो फैक्टोरियल फोर या ये चार यूज की जाए या ये चार यूज की जाए या डन। आगे बढ़िए।
सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हेलो सुनिए, चार अक्षर का शब्द बनाना है, ऑब्वियस सी बात है कि दो कंसोनेंट और दो होंगे क्या? तो कोई सी भी दो कुर्सी पसंद कर लो, उसमें वोवेल्स भर दो, पांच होते हैं वोवेल्स, रिपीटेशन अलाउड है, एक किस होते हैं कंसोनेंट्स, बाकी दो में वो भर दो। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका। 4C2 मतलब 4 3 12 6 25 और 21 4 4 1 होता शायद। तो कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो 150 × 441 आंसर नहीं मालूम, ये है मल्टीप्लिकेशन आंसर। सही है, आगे बढ़िए।
पेन छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, वो यूज एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं वो यूज कीजिएगा, सुनिए ध्यान से देखना। कंसेप्ट का नाम मैंने दिया है क्या? क्या नाम है? भिखारी कंसेप्ट। क्या है साहब ये भिखारी कंसेप्ट? कोई भिखारी आपके घर के बाहर आके आवाज लगाता है, एक रोटी दे दे बाबा, तो इसका मतलब दो रोटी दोगे तो गाली बक देगा क्या कि मैं डाइटिंग पे चल लिया हूं? नहीं ना, वो थैंक यू ही बोलेगा। आपने रोटी के साथ अचार रख दिया तो क्या मना करेगा? क्या मम्मी ने मना किया इन दिनों में अचार नहीं खाते? नहीं ना, है ना, यस ना। आपने उसके साथ केक रख दिया, एक दिन पहले किसी का जन्मदिन था आपके घर में तो केक बना था, तो आपने केक खिला दिया। और क्या, मान लो ये पंखा खराब हो गया है, अपन ने उतार के नीचे रख दिया, और अपन तो रईस लोग हैं, अपन ने सीधा नया लगवाया, रिपेयर विपेयर नहीं करवाते भाई साहब। तो ये पुराना पंखा उठा के उसको दान कर दो तो 800 रुपए में तो बिक जाएगा उसको, तो वो क्या मना करेगा? क्या रोटी ही चाहिए ऐसा कुछ? क्या नहीं ना, वो दान कर लेगा, यू मतलब सेल करके कमा लेगा अपन पैसे। और कुछ और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? मान लो कि वो भिखारिन है, कौन है, थोड़ी खूबसूरत है, तुमने कहा चल घर में ये ले मंगल सूत्र, आज से ये घर तेरा, तो क्या मना करेगी क्या वो? नहीं, काय को मना करेगी? अरे यस, अरे हाँ ना। इसका मतलब वो नाराज कब होगा? जब आप उसे मना कर दो नो रोटी। क्या जब आप उसे बोल दो कि हम तुझे कुछ भी नहीं देंगे तब वो नाराज होगा? अरे यस, हाँ ना। तो बताइए, मतलब पूरा घर दे दो आप उसको, वो आपसे क्या बोलता है? वो आपसे क्या बोल रहा है? कम से कम एक रोटी तो दीजिए, बाकी आप उसे पूरा घर दे दो। बस मत कहना। मत कहना का मतलब क्या? माइनस, डोंट से नो। मत कहना, क्या मत कहना? तो उन्होंने बोला है कि 8 at least 1 repetition, तो हम कहेंगे ऑल पॉसिबिलिटी माइनस नो रिपीटेशन। सही है? तो बोलो ऑल पॉसिबिलिटी कितनी है? पांच। यहां पे चॉइस कितनी? 10। यहां पे कितनी? 10 into 10 into 10 into 10। नहीं होना रिपीट, रिपीट एक भी नहीं होना। ना ना ना, 10 P5। अरेंज भी तो करोगे ना? निकालना फाइनल आंसर।
इसको लिखो जल्दी फटाफट। ये अपन सीख रहे थे अभी तक सिंगल करेक्ट, क्या सीख रहे थे? अब अपन सीखेंगे इंटीजर टाइप, क्योंकि पहले जेडबली मेन की परीक्षा है और उसमें अब पांच इंटीजर भी आएंगे। और ये भिखारी कंसेप्ट लिख लो और फ्रंट पेज पे लिख के रखो। ओ भिखारी को बड़े ध्यान से देखा करना आज से। अरे हाँ ना, दीदी तो खुश हो गई। हाँ, जो भी आंसर हो ये क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी नेक्स्ट लाइव क्लास का टाइम हो गया है और यदि मैं लेट हो जाता हूँ तो पूरी क्लासरूम को आइसक्रीम खिलाने की मेरी खुद की बनाई हुई शर्त है ना? और सबसे सस्ती आइसक्रीम भी खिलाओ तो सीधे लगभग 1,000 से 1,500 का खर्चा हो जाता है कि नहीं? तो मैं ये इसको होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब मैं अगली वीडियो परसों बनाऊंगा, ठीक? तो लेक्चर 4 परम्यूटेशन का ही रहेगा, इंटीजर इंटीजर क्वेश्चन और करवाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है आप मुझे बताना, है ना? और यूट्यूब वाले कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं वो शुरू करूं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या एसएमएस करें और पूरा सेंटेंस लिखें कि क्या चाहते हैं, टॉपिक क्या चाहते हैं ऐसा। अब परसों के दिन, कल गुरुदेव का जन्मदिन है हमारे गुरुदेव का, तो आज शाम को वहां जा रहा हूं मैं। अब तुम चलो तो सही, थोड़ी देर क्लास, थोड़ी देर टेस्ट।